कुंड का रास्ता है और आप देख सकते हो कितने फुट नीचे खाई है और यहाँ सिर्फ पगडंडी है, मतलब एक सिंगल व्यक्ति एक बार में ही निकल सकता है और यदि छोटी सी भी चूक होती है तो आप सीधे जाके खाई में गिरेंगे। इस रास्ते पे अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ती टेंपल में। मैं राजकुमार अपने साथी मोटा भाई वेब के साथ आज आपको एक ऐसी अनंत यात्रा पर लेके चल रहा हूँ जिसका प्रमाण हमारे वैदिक काल से मिलता है। कहते हैं कि भगवान राम जब वनवास गए थे तो वनवास जाते समय उन्होंने अनेकों स्थानों पर विश्राम किया था और उनका जो पथ गमन है वन के समय, वहाँ पर आज भी उनके कुछ चिन्ह हमें मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और दर्शन कीजिए माँ नर्मदा के एक पावन तट के, जहाँ पर भगवान राम नाम से एक कुंड है। राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जय श्री राम। भगवान श्री राम वनवास के लिए चले थे तो रास्ते में वो जबलपुर के एक स्थान पर भी आए थे। उस स्थान को रामघाट के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि वहाँ पर एक पवित्र कुंड भी है और माँ नर्मदा का किनारा भी है। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं रामघाट और रामघाट के से आगे लेकर चलेंगे रामकुंड के दर्शन के लिए। कठिनाई अवश्य है, रास्ते कठिन हैं, लेकिन मन में राम है। जिसके मन में राम बसते हैं कहते हैं कि उसके जग में राम बसते हैं। कण कण में राम, सबके राम। जय श्री राम। रामघाट पहुंचने के लिए दो मार्ग हैं, या तो जबलपुर से चरगवा रोड यानी कि माँ नर्मदा के दक्षिण तट से आया जा सकता है, या तो उत्तर तट पर यानी कि भेड़ा घाट से होते हुए सहजपुर और सहजपुर से फिर मगरमोहा और फिर रामघाट। रामघाट पर आके आप नाव से उस पार जाके कुंड के दर्शन कर सकते हैं और रामघाट जो है वो उत्तर तट पर ही है। तो आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले भेड़ाघाट रोड आना होगा, फिर ग्राम सहजपुर और सहजपुर से आगे आपको आना होगा मगर वहाँ गांव के लिए, और वहाँ से फिर आप वाया रोड आ सकते हैं। हम आ पहुँचे हैं रामघाट और आगे अब हम यहाँ से माँ नर्मदा तट को पार करके कुंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये रामघाट है और यहाँ से ही हम बोट के थ्रू उस पार जाएंगे, और उसके लिए मैंने यहाँ के एक लोकल गाइड को बुलाया है और उनसे ही उनके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो रास्ता है उसके बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है। तो सुखदेव जी हमारे साथ हैं, आ जाइए सुखदेव जी। ये सुखदेव जी हैं यहाँ के लोकल निवासी और ये गाइड के रूप में हमें बताएंगे कि वो कुंड कहाँ पर है और उस कुंड के पास गुफा कहाँ पर है, और वो जो रोचक स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम ने कुछ समय बिताया था और एक कुंड का भी वहाँ पर निर्माण हुआ था, तो उसके बारे में पूरी जानकारी हमें सुखदेव जी बताएंगे। तो सुखदेव जी, यहाँ से हमें गाड़ियाँ तो हमने यहाँ खड़ी कर दी हैं, अब यहाँ से आगे हमें नाव में ही जाना होगा। नाव से ही जाना पड़ेगा, उस पार और कोई वाहन जाएगा नहीं? नहीं नहीं, वो रास्ता ही नहीं है, वो रास्ते से पैदल ही जाना पड़ेगा। पैदल ही जाना पड़ेगा, और ऐसी कच्चा रास्ता है? हाँ, ऐसी कच्चा रास्ता। और यदि बरसात में कोई आता है तो क्या संभव है वहाँ तक पहुँच पाना? नहीं, तो बरसात में तो मुश्किल है, जा पाएंगे, क्योंकि बारिश आएगी तो ये पानी भी बढ़ेगा नर्मदा जी का, बोटें बंद करनी पड़ती हैं, और उस तरफ भी रास्ते में अब ये मिट्टी वाला रास्ता है, कीचड़ रहता है और खाई भी है, स्लिप होने का डर भी है। तो चलिए समय रहते हुए हम आगे बढ़ते हैं और सुखदेव जी के साथ आपको दर्शन कराते हैं उस पावन कुंड के। चलिए सुखदेव जी। जो राम कुंड है भगवान राम के द्वारा ही निर्मित है और इसका निर्माण जो है उसी काल का बताया जाता है। हमारे साथ नाविक भैया। भैया, जो राम कुंड है वो कितना पुराना है? वो बहुत साल पुराना है।
उसके बारे में कि लोग कहते हैं कि भगवान राम जब आए थे तो वहाँ पर उन्हें जलपान किया था, क्या ये सच है? हाँ, ये बात सच है। तो ये घाट से कितनी दूरी पर होगा? यहाँ से जी, यहाँ से आधा एक किलोमीटर कच्चा रास्ता है क्या? कच्चा है। तो जैसा भैया हमको बता रहे हैं, नाविक भैया बता रहे हैं कि जो राम कुंड है वो यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है और कच्चा रास्ता है, पैदल चल के वहाँ पे जाया जा सकता है। कि हम माँ नर्मदा के दक्षिण तट पर हैं और दक्षिण तट पर रहते हुए हम कच्चे रास्ते से उस कुंड तक पहुँचेंगे। यहाँ तक आने के लिए आपको, यदि आप उत्तर तटवासी हैं तो आपको सहजपुर आना होगा और सहजपुर से आप मगरमुहा होते हुए रामघाट पिपरिया आएंगे और घाट पर अपने वाहन को रख के नाव के थ्रू आप इस पार आ जाएंगे और फिर आप कुछ पैदल चलते हुए हम आपको लिए चलते हैं रामकुंड में। अभी ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये कच्चा रास्ता है, ये खेतों की तरफ से हम जा सकते थे लेकिन क्योंकि यहाँ पे पानी की सिंचाई हो रही है और खेत है तो हम जा नहीं सकते। हमारी टीम और हम अब पैदल चलते चलते ही घाट चढ़ के जाएंगे और यहाँ ये बीच में जो झाड़ियाँ आप देख रहे हो, ये झाड़ियों के बीच में कहते हैं कि यहाँ पर कुंड है। उत्तर साइड से आइए, यानी कि जबलपुर से बाईपास होते हुए भेड़ाघाट वाली रोड, सहजपुर, मगरमुहा और वहाँ से अंदर घाट पिपरिया और उत्तर तट पे गाड़ी खड़ी करिए, नाव से दक्षिण की तरफ आइए और फिर कर लगभग आपको 1 से 1.5 किलोमीटर कच्चे रास्ते पर चलना पड़ेगा, तब जाके हम कुंड तक पहुंच सकते हैं। तो रास्ता बहुत लंबा है, हमारी टीम आगे निकल चुकी है, मैं और मेरे साथी मोटा भाई, आ जाइए मोटा भाई, दोनों चल रहे हैं। चंद्र भगवान वनवास का कह रहे हैं। अच्छा आइए ना, तो भगवान रामचंद्र जी जब वनवास में गए थे, हाँ, तो यहाँ रुके थे, उन्होंने निवास किया था यहाँ। तो यहाँ से कुंड कितनी दूर है? कुंड यहाँ से ज्यादा वही 900 फुट दूर हुआ है। अच्छा, रास्ता कैसा है? रास्ता तो गड़बड़ है। गड़बड़ है, हाँ। मतलब अकेले जाना? अकेले तो जाना चले जाते हैं, मन वो बाहुन आहुन नहीं जाता है अपना। और शहर से कोई लोग आए तो वो अकेले जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, जो कोई संग में नहीं जाए तो, मतलब साथ में कोई होना चाहिए। हाँ, खाई आई है, कटी हाँ, है क्या? खाई कटी। नर्मदा के कंकड़ में भी शंकर जी का वास होता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण देख लीजिए। ये हम कुंड के लिए जो रास्ता जा रहे हैं, रास्ते में किसी ने रखे हुए हैं भोलेनाथ और दर्शन करके हम आगे बढ़ चलते हैं। आइए किड़ी भैया, कुंड का रास्ता है और आप देख सकते हो कितने फुट नीचे खाई है और यहाँ सिर्फ पगडंडी है, मतलब एक सिंगल व्यक्ति एक बार में ही निकल सकता है और यदि छोटी सी भी चूक होती है तो आप सीधे जाके खाई में गिरेंगे। इस रास्ते पे अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आ पहुँचे हैं रामकुंड में और यहाँ पर प्रभु राम ने लक्ष्मण और सीता जी के साथ कुछ क्षण विश्राम किया था और लोकमान्य कथाओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इसी कुंड में भगवान राम और
सीता जी ने कुछ क्षण रुक कर जलपान किया था। कहते हैं कि माँ नर्मदा के हर कंकड़ और हर पत्थर में और हर चट्टान में भगवान शंकर का वास होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो प्रतिमा नज़र आ रही है, आप ध्यान से देखिएगा, हम कैमरे में जूम करके आपको दिखा रहे हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इस कुंड में एक प्रतिमा का भी निर्माण है जो आप एकदम से नहीं देख सकते। आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे एक प्रतिमा है और प्रतिमा स्वरूप आपको हम दर्शन करा रहे हैं कुंड देव के। और कह सकते हैं कि यहाँ पर माँ नर्मदा भगवान शंकर रूपी इस प्रतिमा का अब अपने जल से अभिषेक कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं आकृति इस प्रतिमा की आपको नज़र आ रही है। यही खास है इस कुंड का और इसलिए कहते हैं कि ये राम कुंड है, भगवान राम द्वारा निर्मित ये कुंड। आप दर्शन कर सकते हैं इस प्रतिमा के, आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए आप, ये नेत्र हैं, दोनों नेत्र स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं और ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे जटा हो, जटा स्वरूप। और नीचे की तरफ आप देखिए, बीच में चेहरे की पूरी आकृति निर्मित हो रही है, दोनों तरफ नेत्र हैं और थोड़ा सा दाढ़ी का भाग है नीचे की तरफ। देखें आप, कैमरा जैसे ही हम दूर करते जाएंगे आपको लगेगा जैसे कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, समाधि अवस्था में है। ये खास है इस कुंड की, ये प्रतिमा विलक्षण है और आपको बहुत गौर से देखने पर ही इसके आपको दर्शन होंगे। हमारे कैमरामैन मोटा भाई का मैं हृदय से धन्यवाद करूंगा कि आप सभी दर्शकों को उन्हें अपने कैमरा वर्क के द्वारा इस प्रकृति रूप से निर्मित प्रतिमा के आपको दर्शन कराए। एक बार पुनः उनसे आग्रह करूंगा कि आप कैमरे को प्रॉपर उसी पोजीशन में ले जाएं ताकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो उसकी पोजिशनिंग और उस प्रतिमा को देख सकें जहाँ पर भगवान शंकर रूपी इस प्रतिमा के सर पर जल गिर रहा है और उस प्रतिमा की आकृति नज़र आ रही है। जी, राम कुंड के बारे में कुछ जानकारी हमें दीजिए। राम कुंड के बारे में नर्मदा पुराण में ऐसा प्रसंग है कि राम जी यहाँ जाए रामघाट में जी, तो उनके धनुष से उन्होंने उस कुंड को बनाया, उसका निर्माण किया। हाँ। तो क्या ये जो राम कुंड के बारे में लिखित रूप में क्या पुराण में है? हाँ, वही स्कंद पुराण के रेवा खंड वाले प्रसंग में देखिएगा जी, जो इस समय करपात्री स्वामी होशंगाबाद से नर्मदा पुराण निकाले हैं ना जी, उसमें है वर्णन। अच्छा, उसमें स्थान का वर्णन है। हाँ, तो गुरु जी समय समय पे श्री राम तीर्थ जहाँ है ना जी, उसमें देखिएगा। तो ये कुंड कितना पुराना होगा, उसी काल का माना जाएगा जिस काल में भगवान बनवास, भगवान श्री राम ही के द्वारा तोड़ा गया है। अच्छा, अब किस कल्प में भगवान कल्प कल्प प्रति प्रभु होता रही जी, किस कल्प का ये कुंड है जी, वो तो भाई हम नहीं बता सकते।
लोकमान्य कथाओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इसी कुंड में भगवान राम और सीता जी ने कुछ क्षण रुककर जलपान किया था और फिर पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। यही हमारा उद्देश्य था कि हम उस स्थान के आपको दर्शन कराएं जहां भगवान राम कुछ क्षण के लिए रुके थे और माता सीता को प्यास लगने पर इस कुंड का उद्गम हुआ था। ये कथा लोक कथाओं में प्रचलित है, रामायण के कुछ संस्करण में भी इसके अंश मिलते हैं, लेकिन प्रामाणिक तौर पर ये नहीं कहा जाता कि ये वही स्थान है। आप देख सकते हैं 2 किलोमीटर कच्चे रास्ते पहाड़ी रास्ते चलने के बाद हमारी टीम काफ़ी थक गई है और यहाँ पे थोड़ा सांस लेने के लिए रुके हैं क्योंकि अभी वापस रामघाट भी जाना है। तो ये रहे हमारे मोटा भाई और ये रहे हमारे राजेश जी और ये हमारे हैं लोकल गाइड सुखदेव जी जो हमको यहाँ तक लेकर आए और इस कुंड के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी और बताया कि कुंड क्या है और कहाँ स्थित है। बस ये है कि थोड़ा सा रास्ता जो है वो खतरनाक है। कैसा अनुभव रहा राजेश जी आपका? बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव रहा हमारा। पहली बार मैं यहाँ पे आया, मैं यहीं किसी क्षेत्र यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर हूँ और मेरे को यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। कुंड के दर्शन हुए और बहुत ही मनमोहक दृश्य रहा यहाँ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। कुंड का ही जल है जहाँ के हमने आपको दर्शन कराए थे, तो वो था रामकुंड और रामकुंड से ही ये जल बहता हुआ और सीधे मिलता है माँ नर्मदा से। कुंड का जल यहाँ से ट्रेवल करता हुआ आता है और आके मिलता है नर्मदा नदी में। तो आप देख सकते हैं कि कुंड से जो जल आ रहा है लगातार जल आता है, कुंड कभी सूखता नहीं है और ये जल आके सीधा माँ नर्मदा में आके मिलता है। हमने रामकुंड के दर्शन करे, मीठा मीठा जल पिया और अब हम जा रहे हैं रामघाट की तरफ। रामकुंड के बारे में कुछ लोक कथाएं भी प्रचलित हैं और कुछ चमत्कार भी हैं और इन चमत्कारों के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बुज़ुर्ग महिला जो है वो कुंड में डूब गई थी और कुछ समय पश्चात वो जीवित अवस्था में भी बाहर निकल आई। ऐसे चमत्कार जो हैं वो लोक कथाओं में प्रचलित हैं, इनका कोई प्रमाण तो नहीं मिलता। माता जी फोटो भी रखी है अंदर में, कितना साफ आ रहा है क्लीन। आज हमने आपको माँ नर्मदा के एक पावन तट जिसे रामघाट कहते हैं और रामघाट के पास ही उस दूरी पर जो रामकुंड है उसके हमने आपको दर्शन कराए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस पावन घाट पर आएं और रामकुंड के भी आप दर्शन करें। तो मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी जो जिन्होंने हमको काफ़ी सहयोग दिया। सुखदेव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें रामकुंड के दर्शन कराए और मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप में से यदि किसी के पास इस तरह के स्थान के बारे में जानकारी है तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपसे संपर्क करेंगे और उस जगह का वीडियो हम आम जनता तक पहुँचाएँगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को। मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं और मेरा साथी मोटा भाई वैभ आपको पुनः किसी एक पावन स्थल के हम आपको दर्शन कराएंगे और इसी तरह से हम आपको यात्राएं कराते रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।